सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। तो आइए हम सबसे पहले अस्तर को फोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमें लेंथ तैयार रखनी है उसमें हम 1 इंच ऐड करके लेंगे। तो यहाँ पर मैं 14 इंच लूँगी। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है 7 इंच। डिज़ाइन हमारा बोट नेक पे रहेगा। स्केल से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल लिए मैंने 6.5 इंच। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 34 इंच के लिए लिया है चौथा भाग और उसमें 2 इंच की मार्जिन। इसके बाद हम आर्म होल पे गोलाई लगाएंगे 1 इंच पे। अब हमें वेस्ट का भी चौथा हिस्सा लेना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन और 2 इंच की प्लीट्स। स्केल से हमें लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है और इसे पूरा कट कर लेना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। हमें थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने विड्थ में लिया है 4 इंच और लेंथ में हम लेंगे 3 इंच। 4 और 3 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद शेप देना है बोट नेक का। अब नीचे से लेंगे हम यहाँ पे 1.5 इंच और 8.5 इंच। यहाँ पे भी हमें 4 इंच का ही बॉक्स बनाना है। सारी लाइंस को जॉइन करते हुए एक बॉक्स बना ले। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो 1.5 इंच पे हमने मार्जिन लगाया था उसमें हमें 3.5 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से हमें एक शेप देना है। अब इस शेप को कट कर लेना है। ध्यान रहे शेप बॉक्स के बाहर ना जाए। बोट नेक का भी नेक कट कर लेना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्टिच करने से पहले पिन अप कर लूँगी। अब एक पेयर का मार्जिन रखते हुए हमें नीचे की डिज़ाइन को स्टिच कर लेना है। ध्यान रहे हमें पूरा स्टिच नहीं करना है, सिर्फ डिज़ाइंस को ही स्टिच करना है। अब हम ऊपर के हिस्से को भी स्टिच कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पिंस हटा के डिज़ाइन को पलटा देना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पीछे का डिज़ाइन आधा बन गया है। अब हम यहाँ पे एक पेयर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब हमें पूरे अस्तर को स्टिच लगा लेना है। बचे हुए सारे कपड़े पे स्टिच लगाने के बाद जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसको कट कर लेना है।
अब हम यहाँ पे प्लीट्स देंगे। तो कपड़े को एक साथ रख के 4 इंच पे मार्किंग लगाना है। ऊपर से भी हमें 4 इंच लेना है। दोनों साइड पे मार्किंग लगा ले। और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर स्टिच लगा ले। इस तरीके से दोनों साइड कर ले। अब हम कमर पट्टी को ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हमें एक पेयर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाना है। पूरे बैक पार्ट पे लगाना है हमें। और अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे अस्तर बाहर ना दिखे, इसे अच्छे से अंदर फिनिशिंग कर ले। अब मैं यहाँ पे नेक पे गोल्डन लेस का यूज़ करूँगी। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग लेस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर के हिस्से के ऊपर लगाना है। अब हमें कमर पट्टी को लेते हुए जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर लेस लगानी है। इससे लुक बहुत अच्छा आएगा। लेस को पूरे ब्लाउज पे लगाना है नीचे तक। अब हम यहाँ पे डोरी के लिए लूप बना लेंगे। आप चाहे तो 2 या 3 भी लगा सकते हैं। दोनों साइड पे इक्वल मार्जिन रखते हुए लूप्स लगा लें। यहाँ पे लूप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम डोरी की मदद से लूप्स में डालेंगे। क्रॉस करते हुए इस डोरी को लूप्स में डालें ताकि डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा। अब लूम्स बना के डोरी में अटैच कर ले और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन रेडी है। आपको अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।